हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के लिए मूविंग स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो, जो कि इस समय YouTube और Instagram पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो है अपन तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सिंपली आपको VN एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको नीचे प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आप जिस भी फोटो से गणेश चतुर्थी वाला स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको उन्हीं फोटो को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहाँ से 8 फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। जैसे ही आप 8 फोटो को सिलेक्ट करोगे, आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको ओरिजिनल को कर लेना है सिलेक्ट, 9:16 को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको फोटो के लास्ट में चले जाना है और आपको इस ब्लैक इमेज को कर देना है डिलीट। उसके बाद आपको सिंपली फर्स्ट में आ जाना है, फिल्टर पर जाना है, एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बिगनेट वाले ऑप्शन को +100 कर देना है, तो आप कर दीजिए। और आपको नीचे अप्लाई 12 वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको मूव लेफ्ट को कर लेना है सिलेक्ट और आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली सेकंड वाली फोटो पर आ जाना है और आपको यहाँ पर जूम पर जाना है, मूव राइट को सिलेक्ट करके कर देना है डन। जैसे ही आप डन करोगे, आपको सिंपली इसी प्रकार से एक फोटो में मूव लेफ्ट को और एक फोटो में मूव राइट को कर लेना है सिलेक्ट। तो आप यहाँ पर सभी फोटो में कर लीजिए सिलेक्ट। जैसे ही आप सभी फोटो में एनिमेशन को ऐड कर दोगे, आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो के शुरू में आ जाना है और आपको यहाँ पर थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको यहाँ पर एक बाइट साइडो पीएनजी दे दूंगा, तो आप उसी बाइट साइडो पीएनजी को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट, ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली इस वाली पीएनजी को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ कर लेना है फिक्स और आपको इस पीएनजी को पूरी वीडियो में कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में आ जाना है और आपको थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर एक लिरिक्स वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी लिरिक्स वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट और आपको मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली इस लिरिक्स वीडियो को अच्छी तरह से नीचे की तरफ कर लेना है फिक्स। जैसे ही आप फिक्स करोगे, आपको सिंपली थर्ड में प्लस वाले आइकन को फिर से कर लेना है सिलेक्ट, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट।
और आपको यहाँ पर एक पार्टिकल वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी पार्टिकल वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट। ब्लेंडिंग पर चले जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली फिर से थर्ड में प्लस वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आपको यहां पर एक इफेक्ट वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी इफेक्ट वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर फिल को कर लेना है सिलेक्ट। ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको सिंपली इसको कर लेना है डुप्लीकेट। और आपको इस वाली इफेक्ट वीडियो को सभी फोटो के शुरू में लगा देना है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे ही आप इफेक्ट वीडियो को लगा दोगे, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो गणेश चतुर्थी के लिए स्टेटस वीडियो एडिट कर रहे थे, वह यहाँ पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको इस स्टेटस वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको फिर से एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो गणेश चतुर्थी वाला मूविंग स्टेटस वीडियो एडिट कर रहे थे, वह यहां पर सेव हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो एडिटिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।